हमारा वेतन सिर्फ 18,000 रुपए है, जिसमें गर्मी सर्दी की छुट्टियों के अंदर भी हमारा वेतन काट लिया जाता है। तो हमारी क्वालिफिकेशन के मद्देनजर रखते हुए कि हमें मिनिमम पे स्केल और सेवा सुरक्षा दी जाए। और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये बच्चे जो हैं वो MSc, MTech, BTech किए हुए बच्चे हैं, और आज इनकी सैलरी हरियाणा सरकार में जो DC रेट पर एक स्वीपर लगा हुआ है उससे भी कम है। विरोधी कांग्रेस वाले करते रहे, ये उनके टाइम के अपॉइंटमेंट है। यानी कि आप देखिए कि BSc, BTech बच्चों को, MSc, MCA बच्चों को वो लोग 10,000 रुपए में नौकरी लगा करके अधिकार की और सुरक्षा की बात करते हैं। और देखिए, इनके साथ तो दिहाड़ीदार मजदूर की तरह काम हो रहा है कि कल को अगर तुम काम करने नहीं आए तो दिहाड़ी नहीं मिलेगी। गोहाना में इस समय मौजूद हैं और कंप्यूटर टीचर वेलफेयर एसोसिएशन के लोग जो हैं वो कृष्ण ढुल से मिले हैं। कृष्ण ढुल आजकल गोहाना विधानसभा में काफ़ी सक्रिय हैं, और इसके बाद आज ये कंप्यूटर टीचर वेलफेयर एसोसिएशन के जो लोग मिले हैं, सबसे पहले तो इनसे जानते हैं क्या कुछ आपकी समस्याएं हैं, क्यों आपने आज मुलाकात की है और क्या भरोसा है। सर, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, बहुत बहुत सर का धन्यवाद हमें समय देने के लिए। हम बड़ी एक आशा के साथ सर के पास आए हैं। 28 जून को हमारी जो है राजेश कुलर जी के साथ एक मीटिंग हुई थी। हम पिछले 10 साल से स्कूलों, सरकारी स्कूलों के अंदर कंप्यूटर टीचर की पोस्ट पर लगे हुए हैं, और बहुत ही कम वेतनमान के अंदर हम इस काम कर रहे हैं। हमारा वेतन सिर्फ 18,000 रुपये है, जिसमें गर्मी सर्दी की छुट्टियों के अंदर भी हमारा वेतन काट लिया जाता है। अभी जून की जो छुट्टियाँ हुई थी उनके अंदर हमें वेतन भी नहीं मिला, तो हम कृष्ण जी के पास आए हैं, कृष्ण डुल जी के पास। हम ये समाधान सोचते हैं कि हमें सेवा सुरक्षा दे दी जाए और हमारी पोस्ट के अगेंस्ट, क्योंकि हमने एक CDEC मोहाली का जो है टेस्ट क्वालिफाई करके, और यहाँ तक हम 10 साल से, पिछले 10 साल से कार्यरत हैं, तो हमारी क्वालिफिकेशन को, हमारी क्वालिफिकेशन BTech, MTech, MSc, MCA, ये सभी क्वालिफिकेशन हम क्वालिफाइड हैं। तो हमारी क्वालिफिकेशन के मद्देनजर रखते हुए कि हमें मिनिमम पे स्केल और सेवा सुरक्षा दी जाए, और हम कृष्ण जी से भी यही उम्मीद करते हैं कि वो हमारे जो है इस काम को जो है पूर्ण कराएंगे, और हम बड़े इनका जो है धन्यवाद करेंगे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा। हम इनके पास यही उम्मीद लेके इनके पास हम अपना मांग पत्र देने के लिए आए हैं। बिल्कुल, आप एक बार ही देख सकते हैं सारे कंप्यूटर टीचर जो हैं। आप कहाँ पे कार्यरत? मैं अनायत गांव में कार्यरत हूँ। और जिला तो लगता है आपको ये जो है बहुत समय से संघर्ष कर रहे हैं आप, अब उम्मीद है? हमें हमारे को 10 साल हो गए यहाँ पे लगे, और मात्र 18,000 रुपये हमारे को वेतन दिया जा रहा है, और जिसमें गर्मियों का और सर्दियों की छुट्टियों का वेतन हमारा काट लिया जाता है। पिछले 2 महीने से 3 महीने से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सरकार से हमारी बात पहुंचे, CM साहब से मीटिंग करने के लिए हमारी कोशिश है कि CM साहब से हमारी मीटिंग हो जाए, और इसी संदर्भ में हम सर के पास आए थे आज, और सर कह रहे हैं कि हमारी 2 या 3 दिन में CM साहब से हमारी मीटिंग कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। क्या बात है मैडम, नमस्कार। मतलब इतनी कम सैलरी है, उम्मीदें होती है कि इतने साल काम करने के बाद और एक हर तरह का टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद अच्छी जॉब मिले, और आज यहाँ पे पहुँचे हैं, कुछ उम्मीद है? सर, उम्मीद है, उम्मीद लेके आई हूँ कि हमारा काम मजबूर होगा, हमें सेवा नियमित किया जाएगा और हमारी सैलरी भी इंक्रीमेंट होगी। सर डुल साहब, बड़ी उम्मीद लेके जो है एक तबका आया है आपके पास, और काफ़ी साल से ये लोग शायद संघर्ष कर रहे हैं, आपकी तरफ से अभी क्या कुछ आश्वासन इन्हें दिया गया है? क्योंकि कहा जाता है कि आप अधिकारियों के बड़े खास हैं और CM साहब के भी नज़दीक हैं, तो करवा देंगे इनकी समस्या का समाधान। देखिए, करवाने वाला तो भगवान है काम को, मैं कोई नहीं होता किसी का काम करूँ। हाँ, लेकिन ये है कि मुझे खुशी मिलती है कि हम जरिया बनते हैं, हम अपनी गिलहरी वाली भूमिका में अगर मैं खरा उतरूंगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये काम होगा। और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये बच्चे जो हैं वो MSc, MTech, BTech किए हुए बच्चे हैं, और आज इनकी सैलरी हरियाणा सरकार में जो DC रेट पर एक स्वीपर लगा हुआ है उससे भी कम है। तो मेरे मन में बड़ा दुख हुआ इनको लेकर के, और जिस प्रकार की बात हमारे विरोधी कांग्रेस वाले करते रहे, ये उनके टाइम के अपॉइंटमेंट है। यानी कि आप देखिए कि BSc, BTech बच्चों को, MSc, MCA बच्चों को वो लोग 10,000 रुपए में नौकरी लगा करके अधिकार की और सुरक्षा की बात करते हैं, युवाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं, लेकिन आज ये मेरे पास आए हैं सभी लोग मिल करके, और मुझे खुद ये लगा कि ये इनके साथ नाइंसाफ़ी और इनजस्टिस हो रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा जाते ही, कल और परसों, अगले 2-3 दिन में मैंने इनके डेलीगेशन को कहा है कि आप सब लोग मेरे साथ मुख्यमंत्री जी के यहाँ चलिए, हम आपकी इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इनकी जो सेवा सुरक्षा की मांग है कि वो कम से कम निर्धारित की जाए, कि 58 साल तक इनको हटाया ना जाए और इनका एक मिनिमम वेतन किया जाए। और देखिए, इनके साथ तो दिहाड़ीदार मजदूर की तरह काम हो रहा है कि कल को अगर तुम काम करने नहीं आए तो दिहाड़ी नहीं मिलेगी।
अरे भाई शिक्षक हैं, पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर पर काम करते हैं, छुट्टियां होगी तो क्या हुआ, काम तो चल रहा है। क्या स्कूल में अन्य अध्यापक स्टाफ को या दूसरों को छुट्टियों के दरमियान जब वो नहीं पढ़ाते तो क्या उनकी सैलरी कटती है, तो इनकी क्यों कटती है? ये तो बहुत इनजस्टिस की बात है। मतलब ये आपको लगता है कि पुरानी सरकारों ने गलत चीज़ें की? चलो मैं अब सारी चीज़ों पर आलोचनाओं का दौर नहीं है और मुझे नहीं कहना कुछ भी, वो जानेंगे और ये लोग जानेंगे कि हम इनके साथ खड़े हैं, इनके लिए अच्छा करेंगे। तो इनको ये लगना चाहिए कि ये सरकार हमारी अपनी सरकार है, अपने लोगों की, देशों की सरकार है, बनिस्पत के इसकी कि मैं कौन हूँ या मैं अपने का करूँगा। हम सब लोग इनके भले के लिए काम कर रहे हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ की पॉलिसी सरकार बहुत जल्द बनाने जा रही है, उस पर हमारी 7 सदस्यीय कमेटी बैठी है। मैंने अभी एक बहुत बड़े अधिकारी से जो उस कमेटी में, उनसे बात की और उन्होंने मुझे इंश्योर किया है कि हाँ ये लोग भी उस कैटेगरी में शामिल हैं। और अभी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के जो PS हैं उनसे बात करके इनकी एप्लीकेशन भेज दी है, बुधवार तक हम इनकी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करवा देंगे। लगता है भरोसा है? जी सर बिल्कुल भरोसा है, तभी तो सर के पास आए। जो ये कह रहे हैं कुछ ऐसा तो नहीं है कि, देखो हम तो मुंह पे पूछने वाले पत्रकार हैं, कि इन्होंने बात बूत कराई है अधिकारी? जी सर बिल्कुल कराई है, हमारे सामने बात की है सर ने और हमें पूरा भरोसा है सर। और हम सरकार से भी यही उम्मीद करते हैं कि भाई हमें जो है बड़ा अच्छा, हमें जो सेवा सुरक्षा दी जाएगी और मिनिमम पे स्केल जो हमारा बनता वो दिया जाएगा। और सरकार का बिल्कुल हम जो आभार इस पर प्रकट करेंगे, क्योंकि पिछले 10 साल से हम बहुत जो संघर्षरत रहे हैं इस चीज़ को लेकर। तो हम बिल्कुल आशा करते हैं कि सर भी हमारा समाधान कराएंगे।